ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜେୱାର ଠାରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଭିଭିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବୃହତ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଜେୱାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦଶତମ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସମେତ ପୁରା ଦେଶର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା ବଢାଇବା ସହ ଦେଶର एसएन सेक्टर रो अभिवृद्धि घटाबार यह सहायक हो पार बोली केन्द्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तेज यह प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प दूरदृष्टि जो संभव हो पारे से कहते यह एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जहां करीब करीब चौंतीस हजार करोड़ रुपए का निवेश जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में किया जा रहा है और यह हवाई अड्डा मैं आपके द्वारा दर्शकों को भी सूचित करूं ये भारत का सबसे बड़ा नहीं लेकिन एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है चौथे फेज में यह हवाई अड्डा सात से साढ़े सात करोड़ यात्रियों के आवागमन के लिए एक सुविधा का सूत्रधार बनेगा और इसके साथ केवल आप हवाई अड्डे को हवाई अड्डे के रूप में मत देखिए हवाई अड्डे के साथ आर्थिक प्रगति के पहिए चलते हैं हवाई अड्डे के साथ रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और इस हवाई अड्डे के साथ अकेले पिछले तीन सालों में जो एक आशंका थी एक विश्वास था कि अधोसंरचना का एक बहुत बड़ा कदम इस क्षेत्र में लिया जाएगा करीब अठारह हज़ार करोड़ रुपए के निवेश इस क्षेत्र में आ चुके हैं और अगले पाँच छः सालों में अनुमान है कि करीब एक लाख करोड़ और का निवेश इस क्षेत्र में आएगा एक लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाएंगे और करीब करीब साठ हजार करोड़ की आर्थिक एक इंजन की शुरुआत होगी निवेश के द्वारा और उत्पादन के द्वारा तो ये हवाई अड्डा भारत का नवरत्न आने वाले समय में बनेगा इसी के साथ ये बात भी मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में एक जमाने में केवल सत्तर सालों के लिए केवल दो हवाई अड्डे होते थे आज उसी उत्तर प्रदेश में पिछले सात सालों में ये नौवा हवाई अड्डा की शुरुआत की जा रही है नौ हवाई अड्डे कुशीनगर के साथ बन चुके थे ये दसवां हवाई अड्डा का भूमि पूजन किया जा रहा है और अतिशीघ्र वही उत्तर प्रदेश में हम लोग सत्रह हवाई अड्डे अकेले देखेंगे जिस उत्तर प्रदेश में केवल पच्चीस गणतत्व स्थानों तक विमान की सुविधा प्राप्त होती थी आज के दिवस पर अस्सी स्थानों तक ये वायु सेवा की सुविधा प्राप्त हो रही है जनता को मतलब साढ़े तीन गुना वृद्धि हो चुकी और ये सब अगर संभव है तो प्रधानमंत्री जी का संकल्प प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य और वो लक्ष्य और संकल्प है कि उड़े देश का आम नागरिक और यातायात की प्रजातंत्रीकरण और यातायात की लोकतांत्रिकरण इस संकल्प को साकार करके प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को समर्पित किया है